मुझे पता है भीड़ बहुत ज्यादा है, भीड़ ज्यादा होने की वजह से थोड़ी अव्यवस्था है, लेकिन इसी माहौल में मीडिया के साथी कृपया चुप रहे। आप लोग ज्यादा बोल रहे हैं जितना स्टेज पर बैठे हुए लोग नहीं बोल रहे। दोस्तों कसूर आप लोगों का भी नहीं है, जितना भाजपा की रैलियों में भीड़ होती है उतना तो यहाँ स्टेज पर बैठे हुए हैं। सिस्टम जाम हो गया है पिछले दो राज्य में। पहली बार आपके बीच में आया हूं, थोड़ी देर आपसे गुफ्तगू करूंगा, जैसा भी माहौल है इसी में एडजस्ट करने की कोशिश करिए। चौधरी अय्याज साहब आपके लोकप्रिय विधायक, उनके साहबजादे जावेद साहब, चेयरमैन इरशाद साहब, हमारे बाकी जो जिम्मेदार हैं जिंदा साहब, सबका नाम एक एक करके लिया नहीं जा सकता। मुझे उम्मीद थी मैं 2 बजे 2:30 बजे इस सभा में आ जाऊंगा, लेकिन रास्ते भर हजारों ट्रैक्टर का ऐसा काफिला था कि हमें मजबूर होकर के उतर के पैदल चल के आना पड़ा, क्योंकि गाड़ियां तो आ ही नहीं पा रही थी। हमारे बुजुर्ग चौधरी याद साहब, इस नाम से हमारे बुजुर्ग इंसान में जो जज्बा है, जो जोश है, जो हिम्मत है, जो ताकत है, मैं उसको सलाम करने के लिए आया हूँ। मुझे पता है वोट कराने की आपके बीच में जरूरत नहीं है, बस मैं तो आपको सैल्यूट करने, आपको सलाम करने आपकी मिट्टी में आया। आपसे तो 3 जिम्मेदारी बड़ी बातें करना चाहता हूँ। आने वाली 5 तारीख को आपको अपने घरों से बाहर निकलना है, और न सिर्फ कुम्हाना के मुस्तकबिल का फैसला करना है बल्कि हरियाणा के मुस्तकबिल का भी फैसला करना है। मेरी नई यात्रा, अगर आपको यह लगता है कि यह इलेक्शन सिर्फ एक विधायक चुनने का इलेक्शन है तो आप लोग गलतफहमी के शिकार हैं। अगर आपको लगता है कि आप 5 तारीख को घरों से बाहर निकलेंगे, ईवीएम का बटन दबाएंगे और एक एमएलए चुन देंगे तो मामला उससे कहीं बड़ा है। यह मामला इतना छोटा नहीं है। दिल्ली में बैठा हुआ हाकिम यह सोचता है कि जम्मू कश्मीर हो, हरियाणा हो, या आने वाले दिनों में महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, ये तो 4 सूबों के इलेक्शन है। इन इलेक्शन पर दिल्ली की गद्दी टिकी हुई है। मीडिया के किसी भी इंसान से पूछ लीजिए, वो आपको बता देगा कि जिस पार्टी का हरियाणा होता है उसी की दिल्ली होती है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं कि इस इलेक्शन का मकसद बहुत बड़ा है, इस इलेक्शन का मकसद बहुत बड़ा है। ये तो मीडिया के साथी आप बैठ जाओ, आपका कैमरा अगर दिखता है तो ठीक है, आप ही खड़ा जाओ, तो पीछे लोगों को कैसे दिखाई पड़ेगा। और आपसे भी गुजारिश है कि एक कैमरे चले दीजिए। आपको पता नहीं है कितने लोग अपने घर में बैठ के लाइन देख रहे होंगे और आप लोगों को नींद नहीं आएगी, इसलिए इसे देखना भी दीजिए, क्योंकि मजबूरी है, सियासी दूरी है, कैसे आए, लेकिन लाइव तो घर पर देख ही रहे होंगे। ऐसे में ये लाइव चलना भी जरूरी है, थोड़ा बर्दाश्त करिए। आप पिछले कितने सालों से गोदी मीडिया को बर्दाश्त करने आ रहे हैं, तो आपके अपने बीच के बेचारे यूट्यूब चैनल है, उनसे तो बर्दाश्त करिए। मेरे कहना है इलेक्शन का मकसद बहुत बड़ा है। दिल्ली में बैठे हुए नरेंद्र मोदी जी जब 400 पार जाएंगे, और अब 5 तारीख को आप घरों से निकलेंगे और जब 8 तारीख को रिजल्ट आएगा तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर आपने हरियाणा जिता करके कांग्रेस पार्टी की झोली में डाल दिया तो दिल्ली की सरकार ज्यादा दिन नहीं चलेगी, क्योंकि ये हरियाणा है जहां एक बार रक्त डाल देता है डाल देता है। कैंडिडेट को जिता करके, चौधरी इलियास साहब को जिता करके असेंबली पहुंचा दिया, तो आप जिता करके तो एमएलए बना के पहुंचाओगे कांग्रेस पार्टी।
इसलिए मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं कि मेरे भाई ये लड़ाई बहुत बड़ी है, ये लड़ाई बहुत अहम है। इस लड़ाई में आपको एक बात जहन में रखनी है, ये जो आपके बीच में वोट बांटने की साजिशें करने वाले घूम रहे हैं, इनसे होशियार रहना है। जो आज खुद को आजाद कह रहे हैं, दरअसल उनकी डोर नरेंद्र मोदी और अमित शाह के हाथ में है। ये सिर्फ नाम के आजाद हैं, ये जैसे ही इनको कुछ हासिल होगा ये पलट के फिर उसी गोद में बैठ जाएंगे जहां से निकल के आए हैं। इसलिए मेरी गुजारिश है कि रत्ती भर भी बहना नहीं है। वादा किया गया था उजालों का क्या हुआ, जन्नत के उन हसीन हवालों का क्या हुआ, शामों की सैर के लिए रास्ते तो बन गए लेकिन हमारे पैर के छालों का क्या हुआ। पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा को लूटने का काम किया है। यहां भाजपा है, ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकने का दिल आ गया है। ये इलेक्शन सिर्फ एमएलए चुनने का इलेक्शन होता तो शायद मैं आपके सामने दामन फैलाने नहीं आता। मैं पिछले एक हफ्ते से जम्मू कश्मीर के चुनाव में था, उसके बाद लौट के आया तो फिर पूरे हरियाणा में टहल रहा हूं, घूम रहा हूं, जा रहा हूं लोगों के बीच में। एक तरफा कांग्रेस का माहौल है, पूरा सिस्टम जाम पड़ा है, जेल में निकल जाइए पंजा नहीं पंजा दिखाई पड़ रहा है। पंजा हर दिन कमर पर शिकंजा कसता जा रहा है, कमल मुरझा रहा है, पंजा आ रहा है। इसलिए मेरे भाई चूकना नहीं है, बिल्कुल चूकना नहीं है। इस बार तो चौधरी साहब के लिए बच्चा बच्चा बोल रहा है कि बाबा 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 तकरीबन 20 किलोमीटर का रोड शो करते हुए यहाँ पर पहुंचा हूँ। मैं पुराना की आम को सलाम करता हूँ और ये जो नई बिछौर का 12 गांव है जिसके लोगों ने यहाँ जनसमर्थन देने के लिए समारोह किया है, मैं उनकी मोहब्बत को सलाम करता हूँ। हम अतिशय सोडा में भी हक बात कहेंगे, हम अतिशय सोडा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहर में साबिता रहेंगे। तारीख बताती है कि हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं, हम
बांट के खरीद के बदला के धोखा देकर के चौधरी इमरान साहब को हरा देंगे तो वो गलत फहमी के शिकार है। मैं तो चार मित्र कहता हूँ के दायरे में सिमट के आएगा। सही कह रहा हूँ ना? थके तो नहीं है आप? मुझे पता है पिछले 5 घंटे से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ये पुहाना के लोग हैं, नई बिछौर के लोग हैं, इतनी जल्दी थकने वाले लोग हैं कि दायरे में सिमट के आएगा, हर रवायत से हट के लगा रहे हो। हालत यह है कि भाजपा की जनता समझ नहीं
साथ मुझे सुनिएगा जो बात कहने जा रहा हूं। मेवाड़ वालों, ये इलाका मेरे लिए नया नहीं है। आप इस बात के गवाह हैं कि मैं आपकी खुशियों में शामिल होता रहा हूं या ना होता रहा हूं, लेकिन मैं आपके गम में जरूर शामिल होता रहा हूं। जब इस इलाके के कहीं भी किसी इंसान के आंसू बहे हैं तो इमरान प्रतापगढ़ी बिना किसी सियासी नफा नुकसान के आपके दरमियान में आया है। और जब राहुल गांधी जी ने मेरा हाथ पकड़ के मुझे देश की पार्लियामेंट में बिठाया तो मैंने वहां खड़े होकर के पहलू खान से लेकर रकबर से लेकर के हाफिज जुनैद से लेकर के हर इंसान का नाम पार्लियामेंट में लिया है, उनके खिलाफ जुल्म और सितम को है। पार्लियामेंट की कार्यवाही में वो नाम दर्ज है, उन्हें मिटाया नहीं जा सकता। आपके इस बेटे ने आपके लिए ये किया है, इसलिए आप पर मेरा हक है, मैं आपसे बात बहुत जरूरी कह रहा हूं। आप बहुत जज्बाती लोग हैं, बड़े भोले लोग हैं, सच्चे लोग हैं, जल्दी से किसी की बातों में आ जाते हैं। लेकिन एक बात मुझे बताओ मेवाड़ वालों, पुराना वालों, याद करो आज से दो साल पहले का वो मंजर जब पूरे मुल्क में नफरत का माहौल बनाया गया था, बोलना पसंद नहीं कर रहा था, लोग आपकी परेशानियों से दम मचा रहे थे। ऐसे में दिल्ली में एक इंसान खड़ा हुआ और उसने कहा कि मैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल जाऊंगा, अपने पैर के छालों की परवाह नहीं करूंगा, एक नारा लगाऊंगा कि नफरत छोड़ो भारत छोड़ो, एक नारा लगाऊंगा कि मुझे नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। उस इंसान का नाम राहुल गांधी है। मैं चला हूं राहुल गांधी के साथ 4000 किलोमीटर। जब मैं चलता था तो मुझे मीडिया के साथ ही कहते थे कि इमरान साहब आप राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं, आप क्या कहेंगे। तब मैं कहता था कि जो हम जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, जो हम जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, नए अंग्रेज आए हैं नया गांधी बनाऊंगा। और वो नया गांधी राहुल गांधी आपके बीच में है। और उसका अंजाम ये हुआ कि पूरी तिकड़म लगाने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी बहुमत के पास नहीं पहुंच पाई दिल्ली में। अब हालत यह है कि दो बैसाखियां हैं, एक नीतीश बाबू दूसरी चंद्र बाबू, कब एक बैसाखी सर की सरकार टपकी और दूर नहीं है वो दिन, लेकिन वो कब होगा जब हरियाणा जिता करके कांग्रेस की झोली में डालोगे। क्योंकि जिसका हरियाणा होता है उसका पूरा जमाना होता है। तो आपको यह करना पड़ेगा, राहुल गांधी को मजबूत करना चाहते हो और अगर चाहते हो कि दिल्ली की गद्दी पर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन के बैठे तो उसकी शुरुआत 5 तारीख से करो। घरों से निकलो, चौधरी इलियास के लिए हाथ के पंजे के सामने वाला बटन दबाओ, यहां कांग्रेस का मुख्यमंत्री बनाओ। आने वाले दिनों में जो दिन दूर नहीं है जब दिल्ली में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और ये जितने नफरत के अलामबरदार हैं ये अपनी नफरत लेकर के अपने अपने घरों में बैठ जाएंगे। आप तो इस बात पर ईमान रखते हो ना कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसे दे देनी चाहिए, रखते हो ना इस बात पर ईमान। ये हमारे बुजुर्गों का कॉल है, हम इस बात पर ईमान रखते हैं कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसे दे देनी चाहिए। मैं आज कुनहाना के नई बिछौर में 12 गांव के तमाम सरपंचों तमाम आवाम के बीच में खड़ा होकर के ये कहना चाहता हूं कि मैंने देखा है राहुल गांधी के पैर के छाले, मैंने देखा है राहुल गांधी के माथे का बहता हुआ पसीना। मैं आज कुनहाना में आपसे राहुल गांधी की मजदूरी मांगने के लिए आया हूं और वो मजदूरी है राहुल गांधी जी ने चौधरी इलियास साहब को अपना प्रतिनिधि बनाकर के नुमाइंदा बनाकर के आपके बीच में भेजा है। अब आपकी जिम्मेदारी है कि चौधरी इलियास साहब को असेंबली पहुंचाइए। मैं कोशिश करूंगा कि आप अपने इस बुजुर्ग को असेंबली विधायक बनाकर पहुंचाओ और कांग्रेस पार्टी में वापस मिनिस्टर बनाकर के आपके बीच में भेजे। नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रुक जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। मोहब्बत है आप कई घंटे से परेशान है, भीड़ इतनी ज्यादा है कि कई लोग तो ये बल्लियों पर टहे हुए हैं, लेकिन ये भी हरियाणा का एक रंग है। भारतीय जनता पार्टी को ढूंढने से भीड़ नहीं मिल
हरियाणा में तो कांग्रेस आ रही है। ये बात कहते हुए मोदी मीडिया के हलक में फंस जाती है, लेकिन बोलना पड़ रहा है चारों को, दिल से निकल रही है ये बात, दिल से ये बात बच नहीं रही है, लेकिन बोलना पड़ रहा है, क्योंकि आम ने फैसला कर लिया है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में जो हरियाणा था वही हरियाणा फिर से वापस लाना है। ये गुरबाना ने फैसला कर लिया है, ये हरियाणा ने फैसला कर लिया है। भाइयों बहनों, बहुत समझदार लोग हैं आप, भाई बहनों बहुत समझदार हैं, ये बात हो रही बहुत समझदार बहुत खुशी आप लोग। भाइयों बहनों, मुझे देश के खजाने की चाबी सौंप दो, मैं देश नहीं लूटने दूंगा, चौकीदारी करूंगा। अब तो मैं पाते बने उनके सामने बैठता हूँ तो बेचारे नजर थोड़ी सी झुकाते हैं, और मैं वहां खड़ा होकर के उनसे पूछता हूँ कि कहां सोया है चौकीदार। लेकिन उस मोहब्बत को सलाम करता हूं और मिलते करता हूं क्या क्रम सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार, गैस सिलेंडर की कीमत भी 1000 के पार, कहां सोया है चौधरी यार।
आपसे अपील करिए चौधरी साहब को घर के लिए घर आइए, अपने बुजुर्गों के बीच में बैठे करिए, हमारे नौजवानों के साथ में आए थोड़ी देर के लिए। उधर कोई नफा नुकसान कोई और सियासी बात नहीं सोची जाती, ये हमारा आपका वकार है। कांग्रेस पार्टी का एक एक नेता इनकी इज्जत करता है। मुझे पार्टी ने कहा कि इमरान साहब जाइए और पुराना में चौधरी इलियास साहब के लिए दिल से अपील करके आइए। मैं आपके बीच में हाजिर हुआ हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि 5 तारीख को आप अपने घरों से बाहर निकलेंगे तो मुझे मायूस नहीं करेंगे। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, ये हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे दादा की उम्र के हैं और मैं इमरान प्रताप गढ़ी पूरी मजबूती से चौधरी इलियास साहब का हाथ पकड़ के वादा कर रहा हूँ कि आप इन्हें जिता करके असेंबली पहुंचाइए। इंशाल्लाह इन इलाकों में जो काम अब तक नहीं हुआ है वो काम आने वाले 5 साल में होगा, सरकार बनने जा रही है और सरकार हो तो फिर अलग ही रंग होता है, अलग ही बात होती है। अगर सरकार ना हो तो अगर मजबूत एमएलए ना हो तो थाने से मोटरसाइकिल चुराना भी मुश्किल हो जाता है, लेकिन सरकार हो तो चौधरी इलियास साहब जैसा बुजुर्ग फिर वो कुछ अलग ही काम करेगा। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि उठाइए अपना एक एक हाथ और मुझे यकीन दिलाइए करने और इंशाल्लाह जरूर आऊंगा। जो मेरा आपसे वादा है, बहुत शुक्रिया।